क्या हुआ गुरुवर, सब कुशल मंगल तो है? पंडित रामाकृष्णा, आज सुबह से हमारे हाथ में खुजली हो रही। ओ बाप रे, दूर हटिए, चर्म रोग हो गया है आपको, वैद्य जी को दिखाइए, जाइए। अरे हमें चर्म रोग नहीं हो गया, आपको भ्रम रोग हो गया है, जो आपको हाथ में खुजली का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी, मुझे तो लगता है आपने धतूरा आधी रगड़ लिया होगा, इसलिए खुजली हो रही है। चुप रहो गधो, नहीं तो यहीं पर रगड़ देंगे तुम दोनों को। भागो यहाँ से। अरे पंडित रामाकृष्णा, हाथ में खुजली होने का अर्थ होता है अवश्य हमें धन लाभ होने वाला है। ना ना, अम्मा कहती है जिस मनुष्य के हाथ में खुजली हो उसकी पिटाई होने वाली है। अरे किसमें इतना साहस जो हमारी पिटाई करे, आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपनी खुजली कीजिए, हमसे तर्क वितर्क मत कीजिए। आप हमसे तर्क वितर्क मत। देखिए मैं आपको, महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 आज दरबार में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आज हम एक घोषणा करने जा रहे हैं, एक प्रतियोगिता की घोषणा। एक ऐसी प्रतियोगिता जो ये निर्धारित करेगी कि संपूर्ण विजयनगर में सर्वाधिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है। परंतु महाराज, इस प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता है? ये तो समस्त विजयनगर जानता है कि सर्वाधिक बुद्धिमान कोई और नहीं, पंडित रामाकृष्ण है। गोपाल कृष्णन जी, आपका स्वर ऊंचा नहीं था, हम सुन नहीं पाए। कृपया एक बार पुनः कहें, आपने क्या कहा थोड़े ऊंचे स्वर में? हमने कहा महाराज, सर्वाधिक बुद्धिमान कोई और नहीं, पंडित रामाकृष्ण है। सत्य वचन गोपाल कृष्णन जी, सत्य वचन। क्षमा चाहते हैं महाराज, क्षमा कीजिए। ऐसा नहीं है कि विजयनगर में मात्र पंडित रामाकृष्णा ही बुद्धिमान है। आपको तो ज्ञात है महाराज कि पंडित रामाकृष्णा ने जो कुछ भी सीखा है हमारी ही छत्र छाया में सीखा है ना पंडित रामाकृष्णा, है ना? बोली बोली। अवश्य गुरुवर, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि आप अत्यंत बुद्धिशाली हैं। धन्यवाद महाराज। परंतु समस्त विजयनगर में आपके और पंडित रामाकृष्णा के अतिरिक्त भी तो बुद्धिशाली व्यक्ति होंगे, परंतु किसी कारणवश उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता हमारे समक्ष कभी आ नहीं पाई, कभी हम उसे परख नहीं पाए। सत्य वचन। इसलिए हमारे मन में यह विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए जिससे ये निर्धारित किया जा सके कि संपूर्ण विजयनगर में सर्वाधिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है। जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे बुद्धि शिरोमणि की उपाधि मिलेगी। अब बुद्धिमता की इस प्रतियोगिता में क्या हो, इसका स्वरूप कैसा हो, यह निर्धारित करने के लिए आप सब अपने अपने सुझाव दीजिए। महाराज, क्यों ना अंक शास्त्र के प्रश्न पूछे जाएं और जो भी सर्वाधिक सही उत्तर दे उसे ही सर्वाधिक बुद्धिशाली मान लिया जाए। महाराज, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं। विद्या और बुद्धि में अंतर होता है, ये आवश्यक नहीं कि जिसके पास विद्या हो वो बुद्धिमान भी हो। हम आपकी बात से सहमत है पंडित रामाकृष्णा। महाराज, क्यों ना एक पांव पे दौड़ने की प्रतियोगिता की जाए। हाँ, ये अच्छा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक पाँव की दौड़ और मस्तिष्क की दौड़ में धरती और आसमान का अंतर होता है। गुरुजी, आप ही कोई सुझाव दीजिए ना। हाँ गुरुजी, आप तो केवल बाकियों के सुझाव निरस्त ही करते जा रहे हैं बस। चुप रहो तुम दोनों। सत्य कहा इन्होंने, आप तो राजगुरु हैं, आप ही कोई सुझाव दीजिए। हम ऐसा उपाय बताएंगे जिसे कोई काट नहीं पाएगा।
आपसे हमें यही आशा थी गुरु। महाराज, सबसे बड़े बुद्धिमान के साथ साथ सबसे बड़ा ज्ञानी वही होगा जो साक्षात ईश्वर के दर्शन करवा देगा। गुरुवार, ये तो सर्वोत्तम उपाय है शिव जी के दर्शन। फिर तो आप ही विजयी होंगे गुरुवार, क्योंकि शिव जी के साक्षात दर्शन तो केवल आप ही को होते हैं, और आप ही हैं जो सबको दर्शन करवा भी सकते हैं। क्यों? तो बस बात समाप्त हो गई। गुरुवर, ये सुझाव किसी अन्य प्रतियोगिता के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमता की कसौटी परखने के लिए उचित नहीं है। हमें तो किसी ऐसे सुझाव की खोज है जो ये निर्धारित कर सके कि विजयनगर का सर्वाधिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है। आप इस विषय में मौन क्यों हैं पंडित रामाकृष्णा? आप भी अपना सुझाव दीजिए। महाराज, मेरे विचार से तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो ये पता लगा सके कि इस प्रतियोगिता वाली बात को आपके मस्तिष्क में डाला किसने। रामा जी, आज की पहेली कब पूछेंगे? बस अभी पूछूंगा। तो मित्रों, आज की पहेली है, छोटे से हैं मटरू दास, वस्त्र पहने 150। सोचिए सोचिए, इस पहेली का उत्तर सोचिए, और आप सभी को इसका उत्तर मैं धारावाहिक के अंत में दूंगा। अरे पंडित रामाकृष्ण, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? यदि आप एक अच्छा सुझाव नहीं दे सकते तो शांत तो रह सकते हैं, तो कृपया शांत रहिए। अरे तो आप ही कोई सुझाव दे दीजिए ना, ताकि किसी और को सुझाव देने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्यों? ये आपकी पुरानी आदत है, स्वयं कुछ ना करना पड़े, पका पकाया मिल जाए, खा लेंगे, सब कुछ हम ही करके दें। आप किस लिए हैं? मैं वो सुझाव तो हम यूं दे दें अभी चुटकी बजा के। हाँ तो यूं चुटकी बजा के दे दीजिए ना सुझाव। किंतु हम देंगे नहीं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं आप क्या सुझाव देते हैं पंडित रामाकृष्णा। पंडित रामाकृष्णा, हम गुरुवर के इस कथन से सहमत हैं। क्या कोई ऐसा सुझाव नहीं है जिससे हमें सीधे सीधे पता चल सके कि विजयनगर का सर्वाधिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है? एक सुझाव है महाराज, क्योंकि ये प्रतियोगिता बुद्धिमता की है, तो अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करने के लिए जो कार्य दिया जाए वो भी बुद्धि से ही जुड़ा हो। आपका कथन उचित है, तो आप ही बताइए कैसे ली जाए बुद्धिमता की परीक्षा। महाराज, जो भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहे उसे राजकोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, जिसे उसे एक दिवस के भीतर खर्च करनी होगी। किंतु शर्त यह है कि वो एक बार में 10 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक खर्च नहीं कर सकता। यह तो अत्यंत ही सरल है, इससे कैसे कोई सबसे बड़ा बुद्धिमान सिद्ध होगा? इससे तो मात्र राजकोष रिक्त होगा। गुरुवर, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए ना। सुनाइए। महाराज, वो 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने से पूर्व उन्हें आपके दर्शन करने होंगे। पंडित रामाकृष्ण, यदि प्रतियोगी हमारे दर्शन हेतु आते भी हैं, तो भी उनके पास दिवस में इतना समय शेष रह जाएगा कि वो आराम से 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर सकेंगे। एक और पड़ाव है इस प्रतियोगिता में महाराज। अब कौन सा पड़ाव आ गया? आपके दर्शन के पश्चात वो किसी और को नहीं देख सकता, अर्थात बिना किसी को देखे हुए उसे वो 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदता हूँ, तो मैं उस दुकानदार को तब तक मुद्राएं नहीं दे सकता जब तक कि मैं आपके दर्शन ना कर लूं, अर्थात आपके दर्शन और मुद्राएं खर्च करने के बीच में मैं किसी और का चेहरा नहीं देख सकता। और जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे राजकोष से 1,000 स्वर्ण मुद्राएं पारितोषिक के रूप में दी जाएंगी। बड़ा कठिन पड़ाव है धनी। कठिन नहीं, कठिनतम। किंतु जो लोग पराजित होंगे उन्हें राजकोष से प्राप्त हुई 100 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष को लौटानी होंगी। तो जो भी अपनी बुद्धिमता से सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं खर्च करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा।
ये तो अत्यंत उत्तम सुझाव दिया पंडित रामाकृष्णा ने। अब समझ आया हमारे हाथ में खुजली क्यों हो रही है। अवश्य बिना कुछ किए हमें धन प्राप्ति का योग बनने वाला है। गुरुवर, मुझे भली भांति ज्ञात है आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किंतु कहीं लेने के देरे न पड़ जाएं। वाह वाह वाह, क्या सुझाव दिया पंडित रामाकृष्णा ने। पंडित रामाकृष्णा के सुझाव से हम पूर्णतः सहमत है महाराज। उत्तम विचार है महाराज। पंडित रामाकृष्णा, हमें आपका सुझाव अत्यंत पसंद आया। महारानी, आपको कुछ कहना है इस विषय में, कोई विशेष टिप्पणी? हमें जो कहना था हम कह चुके महाराज। अब तो हमें देखना ये है कि विजयनगर में वो कौन है जो बुद्धि शिरोमणि की उपाधि प्राप्त करेगा। तो ठीक है, संपूर्ण विजयनगर में ये उद्घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी बुद्धिमता की इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है ले सकता है। देखते हैं कौन बनता है बुद्धि शिरोमणि। बुद्धि शिरोमणि भी हम बनेंगे और 1,000 स्वर्ण मुद्राएं भी हम ही जीतेंगे। अब आएगा आनंद। अब आएगा हमें भी आनंद। धनीमनी जी। गुरुजी, अभी कुछ क्षण पश्चात तुम दोनों हमारे मस्तिष्क की प्रशंसा करोगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ऐसी युक्ति आई है जिससे धन व्यय करने के साथ साथ धन अर्जित भी किया जा सकता है। एक कार्य करो। कैसा कार्य गुरुजी? तुम दोनों अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राएं हमें दे दो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या कहो? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हाँ, जो जान से प्यारी स्वर्ण मुद्राएं हम आपको दे दे। गुरुवर कौन, हम या तुम? बुद्धिमान कौन, हम या तुम? अब ध्यान पूर्वक सुनो। योजना यह है कि तुम दोनों अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राएं हमें दे दोगे। तत्पश्चात तुम कोषाध्यक्ष के पास रोते गिड़गिड़ाते हुए जाओगे तो कोषाध्यक्ष जी को तुम पर दया आ जाएगी और वो तुम दोनों को राजकोष से 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। अब सोचो कितनी स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेंगे हम। हाँ गुरुजी, किंतु इतना तो बताइए, वो जो 200 स्वर्ण मुद्राएं हम लाएंगे उसमें से हमें कितनी मिलेगी? बताइए गुरुजी। अच्छो हाँ। बच्चा कहा कि कथा कहा, तुम हमें इतना कंजूस समझते हो हैं? हम तुम दोनों को 100-100 स्वर्ण मुद्राओं में से 5-5 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देंगे, अभी तो 10-10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 100-80 स्वर्ण मुद्राएं स्वयं रखेंगे और हमें 10-10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा गुरुजी ना। गधो है, अभी तो बच्चा का जितना मिला है उतने में संतोष करो हैं? चलो आओ, अब देखते हैं कि हमें क्या क्या खरीदना है, हैं? आओ। ये क्या हुआ गुरुजी? आप प्रातः काल जाने क्या खा लिया था, उधर में पीड़ा प्रारंभ हो गई है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पुनः भेंट करता हूँ। तक चिंता मत कीजिएगा। समझ गया, ये धनी बहाना बना के अपनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने गया है। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब मूर्ख है ऐसा हम नहीं धनी समझता है। गुरुजी, धनी आपसे स्वर्ण मुद्राएं बचाकर खर्च करने चला गया। तो आप चिंता मत करें, आप यहीं रुकिए, मैं धनी को देख कर आता हूँ और उसे पकड़ कर आपके समक्ष लेके आता हूँ। आप चिंता मत करें, यहीं रुकिए, रुकिए। क्यों नौकर हमें मूर्ख बनाकर भाग गए, छोड़ेंगे नहीं इन दोनों को। आइए आइए। प्रणाम राजगुरु जी। आयुष्मान भवा,
एक रेशम का वस्त्र दिखाई। जी गुरुवर। और सुनो, वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि हाथ रखें तो हाथ यूं फिसल जाए। और सुनो, मूल्य लगभग 10 स्वर्ण मुद्राएं होना चाहिए। जी गुरुवर। प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार 10 स्वर्ण मुद्राएं व्यय करने से पूर्व हमें महाराज के दर्शन करने होंगे। और सुनो, तुम वस्त्र निकाल कर रखो, हम अभी आते हैं। वाह 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 शारदा, इतने सारे गहने पहने, किसके विवाह में जा रही हो? हमारे विवाह में। अच्छा, क्या ये क्या बोल रही हो? चुप कर। अम्मा मैं तो चुप हो जाऊंगा, किंतु तुम सुन रही हो तुम्हारी बहू क्या कह रही है? और एक क्षण, ये इतने सारे गहने आए कहाँ से? सच सच बताओ, अब कौन सा नया व्यवसाय शुरू किया है तुम दोनों सास बहू ने? कहा ना चुप कर, शारदा ने ये सारे गहने खरीदे हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरी जेब में से धन कौन गायब करता है। आपको लगता है हम आपका धन चुराते हैं? हाँ, नहीं तो इतने सारे गहने आए कहाँ से बताओ? राजकोट से पूरे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। प्रतियोगिता में हम भी भाग लेंगे। तो अब मुझे गहनों का धन दे दीजिए। अम्मा, 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 तुमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। भले ही तुम्हारे मुख से पुरुष वाले स्वर निकल रहे हैं, किंतु ये क्या कम है कि तुम फिर से बोलने लगी? अरे मैं अति प्रसन्न हूँ। चलेगा, मुझे ये पुरुष वाला स्वर भी चलेगा, किंतु मेरी अम्मा ने मौन व्रत तोड़ दिया शारदा। अरे मेरी अम्मा ने मौन व्रत तोड़ दिया। विक्षिप्त हो गया है क्या? मौन व्रत तोड़ दिया? ये मैं नहीं, वो सुनार बोल रहा है। हैं? कौन है पीछे? प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम प्रणाम। ये सर्वपल्ली जी, हम महाराज का मुख देख ले, तत्पश्चात हम आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। शारदा, तुम इस समय राजमहल जाओगी? इसका भी उपाय है हमारे पास। आपकी पत्नी है, इतनी बुद्धि तो लगा ही सकते हैं। दूरबीन? किंतु अम्मा, दूरबीन से यहाँ से राजमहल कैसे दिखेगा? यहाँ से नहीं, किंतु वहाँ से तो दिखेगा। महाराज घूमिए, घूमिए ना। अम्मा, हमने महाराज का मुख देख लिया और नेत्र भी मुंद लिए, अब हम इन्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दे देते। सास बहू जो ना करो वो कम है, और करो लोभ, देख लिया ना लोभ का परिणाम। आओ हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। अम्मा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तोड़ लगा। हाय हाय, कमर अकड़ गई ना। जाओ दोनों विश्राम करो, जाओ शारदा ले जाओ। हे भगवान।